नमस्कार, मैं पिंटू शिंगे यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हैं, यूट्यूब चलाते हैं और आपके अकाउंट में $100 आ चुका है, तो $100 आ चुका है तो आपकी जिज्ञासा होती है कि जल्द से जल्द पेमेंट अपने अकाउंट में ले लिया जाए, और उसके लिए आप अपना बैंक का डिटेल डालते हैं। लेकिन बैंक का जब डिटेल डालते हैं तो उस समय आपको एक बहुत बड़ी समस्या आती है, और वो आती है स्विफ्ट कोड के बारे में। आप बैंक में जाते हैं, मैनेजर से पूछते हैं, मैनेजर को भी पता नहीं होता है कि एक्चुअली में स्विफ्ट कोड होता क्या है। आप परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, ऑनलाइन खोजते हैं SBI अकाउंट, मतलब आप अलग अलग जो बैंक है वहां पर जाते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल पाता है कि आखिरकार मेरा स्विफ्ट कोड क्या है। तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि बिहार के पंजाब नेशनल बैंक के किसी भी ब्रांच का अगर आप स्विफ्ट कोड लेना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो बना चुका हूं, अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के यूजर हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के यूजर हैं और आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है और उसी अकाउंट को आप गूगल एडसेंस में डालना चाहते हैं तो आपके किसी भी ब्रांच का स्विफ्ट कोड क्या होगा, यानी कि स्टेट बैंक के बिहार की किसी भी ब्रांच का स्विफ्ट कोड क्या होगा, इसकी मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो देर नहीं करता हूं, जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे फॉलो कीजिएगा, और वही स्विफ्ट कोड आप अपने गूगल एडसेंस में पेमेंट मेथड जब आप फिल करेंगे तो उस समय डाल सकते हैं और आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा और आपका पेमेंट जो है वो नहीं रोकेगा बल्कि समय से आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं बिहार के सभी SBI ब्रांच का स्विफ्ट कोड एक्चुअली है क्या। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, तो आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार के SBI का स्विफ्ट कोड के बारे में। आप बिहार के किसी भी ज़िले से हैं, किसी भी ब्रांच से हैं, जो मैं आपको स्विफ्ट कोड बताऊंगा वो अगर आप डाल देते हैं तो आपके अकाउंट में पैसा जो है यूट्यूब वाला है, जो गूगल एडसेंस वाला है, वो आ जाएगा। चलिए बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर लिए। देखिए, अगर आप किसी भी ज़िला से बिलोंग करते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको अपना जो है IFSC कोड के बारे में पता होना चाहिए। मान लीजिए कि मैं भभुआ से कैमूर डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ तो SBI कैमूर लिखता हूँ। मान लीजिए मैं SBI कैमूर लिखता हूँ तो SBI कैमूर, देखिए यहाँ पे कई सारे ब्रांच आ गया, भभुआ आ गया, चैनपुर आ गया, बेलाव आ गया। तो मान लीजिए मैं रामगढ़ कैमूर ब्रांच SBI का डालता हूँ, ठीक है, यहाँ पे रामगढ़ क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास नज़दीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि रामगढ़ ब्रांच जो है क्या है, रामगढ़ है, ठीक है, और ये इसका IFSC कोड है, ठीक है, इसका क्या है IFSC कोड। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। इसका कॉपी करने का मतलब ये है कि आप किसी भी ज़िला के हैं, किसी भी ब्रांच के हैं, आपको IFSC कोड पता होना चाहिए। तो IFSC कोड ऑब्वियसली आपको पता होता है, तो उसको क्या करना है कि आपको कॉपी करना है, या कॉपी नहीं कर सकते हैं तो उसको चलना है गूगल पे। आप मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे, कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है कि यहाँ पर IFSC, यहाँ पर अपना IFSC कोड डाल दिए, ठीक है। IFSC कोड डालने के बाद आपको क्या करना है कि आगे जो है स्विफ्ट कोड डाल देना है, स्विफ्ट कोड लिखना है, ठीक है, स्विफ्ट कोड लिखना है, ठीक है। इसके बाद मार देना है इंटर, आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं या कुछ भी। अब यहाँ पे क्लिक कर देते हैं आपका ये वाला सिस्टम पे, ठीक है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखिए यहाँ पर जो स्विफ्ट कोड है आपका वो हेड ऑफिस स्विफ्ट कोड ऑफ द स्टेट बैंक, तो ये हेड ऑफिस का ये जो है स्विफ्ट कोड आ जाएगा। तो ये वाला स्विफ्ट कोड आप जो है अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में डाल सकते हैं। और ये हेड ऑफिस मतलब ये है कि आप अगर बिहार से हैं और हेड ऑफिस का अगर आपको स्विफ्ट कोड पता चल गया तो आप इसको डाल देंगे तो बिहार के किसी भी ज़िले के किसी भी गांव के एक छोटे से SBI के ब्रांच का होंगे तो आपको अगर ये स्विफ्ट कोड डाल देते हैं तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर ये तो रामगढ़ हो गया, मान लीजिए मैं SBI खोलता हूँ दरभंगा का, मान लीजिए कोई SBI दरभंगा, ठीक है, SBI दरभंगा बिहार, मान लीजिए मैंने कोई भी रैंडम लेता हूँ SBI दरभंगा बिहार, यहाँ पे कई सारे बैंक्स हैं, तो मान लीजिए IFSC कोड ऑफ स्टेट बैंक ऑफ दरभंगा, तो दरभंगा यहाँ पे देखिए दरभंगा बिहार, बिहार डिस्ट्रिक्ट दरभंगा जो है दरभंगा जिला है, तो यहाँ पर क्या करना है कि मैं स्विफ्ट कोड कॉपी कर लेता हूँ, IFSC कोड कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर गूगल पे जाता हूँ, गूगल पे जाने के बाद स्विफ्ट यहाँ पे डालता हूँ, स्विफ्ट कोड डाल देता हूँ और आगे जो है IFSC कोड डाल देता हूँ और यहाँ पर स्विफ्ट कोड लिख देता हूँ, ठीक है, स्विफ्ट कोड। अब इसको मैं इंटर मार देता हूँ, जैसे ही इंटर मारूंगा देखिए SBIN, देखिए SBI, ये देखिए SBI हो गया, NIN देखिए
एन आई एन डबल बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे पूरे बिहार के स्टेट बैंक का जो आप स्विफ्ट को डालेंगे वो आपका SBININBB हेड ऑफिस स्विफ्ट कोड ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये आपके हेड ऑफिस का होगा। तो आप किसी भी जिला से हैं आप इसको डाल दीजिए और आप टेंशन फ्री हो जाइए, आपके अकाउंट में पैसा जो है वो आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो दोस्तों देखा आपने, इस तरीके से आप किसी भी बिहार के SBI बैंक का आप IFSC को डालते हैं, इसके अलावा आगे स्विफ्ट को डालते हैं, वो अपने आप फाइंड कर लेगा। अगर सेम आपका पूरे बिहार का मिल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए बेसिकली यूज होता है, और वायर ट्रांजेक्शन जब होता है तो आपके बिहार का किसी भी ब्रांच में जब वो फॉरेन करेंसी जाएगी तो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं किसी भी ब्रांच का खोज रहा हूं तो सेम आ रहा है, तो आप उसी हु को ही डालिए, आपका अकाउंट में पैसा आ जाएगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। और ऐसा मैंने उपयोग किया है इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूं। तो ये अपडेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करने के बाद अगर आपके अकाउंट में पैसा आया है तो ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी जानकर खुशी होगी, और आप जब कमेंट करेंगे तो फिर कई लोगों का ट्रस्ट जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज पर बिल्डअप होगा। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े। अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।